बड़ी अच्छी किताब पढ़ रही थी। जानती हो इस किताब में क्या लिखा है? आदमी जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन होता है। साधु और संत सात्विक भोजन करते हैं, शायद इसलिए उनका मन भी पवित्र होता है। खैर छोड़ो। अच्छा ये बता, क्या बात है, कुछ कहना है क्या? एक्चुअली मम्मी जी, मैं ये कहना चाहती थी कि मतलब बोल दो ना आप। ठीक है मैं कहती हूँ। बड़ी माँ, आपने वो जो महाराज रखा है ना, उसके हाथ का खाना ना तो सुषमा दीदी को पसंद है और ना तो मुझे। प्रांजल, महाराज अभी नया है पर खाना तो वो अच्छा ही बनाता है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा लेकिन तुम दोनों की पसंद तो वो कुछ ही दिन में समझ जाएगा। मुझे नहीं लगता वो बना पाएगा बड़ी माँ, उसे तो बस शादी ब्याह का खाना बनाने आता है, लेटेस्ट रेसिपीज तो उसे आती नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? बड़ी माँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरा किचन अलग कर दीजिए। क्या? प्रांजल, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी लड़की के मुंह से ये बात भी सुननी पड़ेगी। और तुम जो कह रही हो उसका मतलब भी समझती हो? क्या हम लोग इतने गए गुजरे हो गए हैं कि एक ही मकान में अलग अलग किचन बनाकर लोगों को हम पर हंसने का मौका दे? वैसे भी तुम अलग अलग करने में विश्वास करती हो, कभी जोड़ने की भी बात करो प्रांजल। और सुषमा, तुम भी आजकल प्रांजल की तरह सोचने लगी हो, तुम्हें तो खुद ही इसे समझा देना चाहिए था। बड़ी माँ, आप जो मुझे समझाना चाहती है ना, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। आप यही कहना चाहती है ना कि महाराज के हाथ का खाना हमें पसंद हो या ना हो लेकिन हमें खाना पड़ेगा। नहीं, मैं ये समझाना चाहती हूँ कि किसी का भी किचन अलग नहीं होगा, किचन एक था और हमेशा एक ही रहेगा। तुम दोनों को महाराज का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं है तो तुम दोनों खुद किचन में जाकर अपनी पसंद का खाना बना सकती हो, उसी तरह जैसे सुमन बनाती है, समझे? अब तुम दोनों जा सकती हो।